हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द रैपिड क्लासेस फॉर फिजिक्स में। लास्ट वीडियो में हमने संधारित्रों का श्रेणीक्रम और समांतर क्रम पढ़ा था, उनके फॉर्मूले पढ़े थे। आज जो हम बात करने जा रहे हैं उनके न्यूमेरिकलों की बात करने जा रहे हैं, लेकिन ये न्यूमेरिकल बड़े विशेष है क्योंकि ये चित्र में डायग्राम में दिए हुए हैं। अगर तुम्हारे से कोई किसी क्वेश्चन में कहता है कि इन तीन संधारित्रों की धारिता का मान ज्ञात करो जो समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो उसने बोल दिया ना समांतर क्रम, तो तुम्हें पता लग गया कि समांतर क्रम का फॉर्मूला लगाना है। लेकिन ये डायग्राम वाले जो न्यूमेरिकल है इनको तुम्हें खुद देखना है और ये पता करना है कि कौन सा संधारित्र किसके साथ श्रेणी क्रम में है और कौन सा किसके साथ समांतर क्रम में है। तो आज हम इस मुद्दे बात करने वाले हैं कि डायग्राम देकर जब हमारे से धारिता का मान पूछेगा तो हमें खुद देखना पड़ेगा कि कौन श्रेणी क्रम में कौन समांतर क्रम में। इस तरह की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, आज का हमारा टॉपिक ये है। तो आओ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार मैं थोड़ा सा बता दूं कि फॉर्मूले क्या होते हैं। यदि यदि संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हो, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला होता है याद कर लेंगे, एक बटे सी तुल्य बराबर एक बटे सी वन प्लस एक बटे सी टू प्लस एक बटे सी थ्री, कितने भी सारे हो सकते हैं। और यदि संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हों, समांतर क्रम में, तो उनका फॉर्मूला होता है सी तुल्य बराबर सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। ये होते हैं दो फॉर्मूले जिनका प्रयोग करके आज हम न्यूमेरिकलों को सोल्व करेंगे। देखो, जैसा हमारा पहला न्यूमेरिकल है, एक बार मैं इसको तुम्हें समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर पहला, क्या न्यूमेरिकल है? ये हमारा ए पॉइंट है, ये तीन संधारित्र इस प्रकार लगे हुए हैं, ये हमारा बी पॉइंट है। क्वेश्चन क्या है उसका? उसका क्वेश्चन है ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करो। उसका क्वेश्चन हमारे से ये है, ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करो। ए और बी के बीच तुल्य निकालना, तुल्य माने टोटल। अब देखो करना किस तरीके से है प्रॉब्लम को, एक बार उसको समझ लेंगे। स्टेप क्या है? स्टेप ये है इस तरह की प्रॉब्लम को सोल्व करने के, क्या स्टेप है कि सबसे पहले सभी संधारित्रों को नाम देते हैं, सभी संधारित्रों को नाम देते हैं। हेलो, सब बच्चे बोर्ड पर देखेंगे। ये स्टेप है कि किस किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। जैसे ही तुम्हारे सामने कोई क्वेश्चन निकल के आता है इस तरह का चित्र वाला, तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सभी संधारित्रों को नाम देना पड़ेगा कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। सभी संधारित्रों को नाम देते हैं, तो मैंने इसको नाम दे दिया सी वन और इसको नाम दे दिया सी टू और इसको नाम दे दिया सी थ्री। अगर और भी कोई होता तो उसको नाम देते सी फोर। मैटर क्लियर है? इन सी वन सी टू सी थ्री की वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू भी 3 माइक्रोफेरड दी है, इसकी भी 3 माइक्रोफेरड, इसकी भी 3 माइक्रोफेरड। वैल्यू तो वो दे के रखेगा, लेकिन जो नामकरण है कि कौन सी वन कौन सी टू कौन सी थ्री, ये सब हम डिसाइड करेंगे। कुछ लोग इस बात को लेकर कन्फ्यूजन में है कि किसको सीवन कहना है। सर ने बता दिया ऊपर वाला सीवन होता ना, किसी को भी सीवन कहो, किसी को भी सीटू कहो, किसी को भी सीतरी, लेकिन बस फिर वो सीवन सीटू सीतरी रह जाना है। लेकिन मेथड क्या कहता है, सीक्वेंस क्या कहता है कि शुरू से शुरू करते हैं, इधर से स्टार्ट करा सीवन सीटू सीतरी। अगर मैं ऐसा करता सीवन सीटू सीतरी तो अजीब सा लगता, गलत नहीं था, अजीब लगता। तो किसी को भी सीवन किसी को भी सी टू कह सकते हैं, लेकिन बस जिसको जो कह दिया फिर वही रहना है। क्लियरिटी आ गई सब बच्चों को? कोई दिक्कत? सबसे पहला स्टेप क्या हुआ कि सभी संधारित्रों का नाम देते हैं, सभी संधारित्रों का नाम रखते हैं। दूसरा स्टेप क्या है? ए से बी की तरफ चलते हैं, ए से बी की तरफ चलते हैं, ये दूसरा स्टेप है। ए से बी की तरफ चलते हैं, मैं ए से बी की तरफ चला और चलते समय क्या देखते हैं हम, ये देखते हैं यदि दो से अधिक संधारित्र एक ही रास्ते पर हो तो वे श्रेणी में होंगे। और चौथा, यदि दो से अधिक संधारित्र भिन्न भिन्न रास्तों पर हो तो वे समांतर में होंगे। आओ देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने नाम रख दिया, पहले का नाम C1, दूसरे का नाम C2, तीसरे का नाम C3। अब A से B के लिए निकल लिए। हम A से B पर जा रहे थे कि रास्ते में तीन रास्ते खुल गए।
इस पॉइंट पर आकर तीन रास्ते खुल गए, तीन अलग अलग रास्तों पर तीन संधारित्र है, तीन अलग अलग रास्तों पर तीन संधारित्र है, तो ये वाला पॉइंट जिंदा हो गया। यदि दो या दो से अधिक संधारित्र भिन्न भिन्न रास्तों पर होते हैं तो वे समांतर क्रम में होंगे। ये तीनों संधारित्र किन रास्तों पर है? तीन डिफरेंट रास्तों पर है। अगर ये तीनों संधारित्र एक ही लाइन में होते, एक ही रास्ते पर होते, तो तीनों श्रेणी में होते। जैसे मैं इस चित्र की बात करूं, देखो ये दोनों ऊपर वाले एक ही रास्ते पे है क्या? ये इस चित्र में दोनों ऊपर वाले एक ही रास्ते पे है क्या? तो दोनों श्रेणी में है। लेकिन ये तीनों क्या है? ये तीनों डिफरेंट रास्तों पे है कि नहीं है? तो ये तीनों कहीं में होंगे? समांतर में। मैटर क्लियर है कि नहीं है? बड़ा सिंपल वे है यार मेरे भाई। क्या कहा मैंने? संधारित्रों को नाम दो, दे दिया। ए से बी के लिए निकल लो, ए से बी के लिए निकले तो यहां के रुक गए। हमने देखा हमारे पास तीन रास्ते हैं और तीनों ही रास्तों पर एकक हैं, तो ये तीनों कौन से क्रम में होंगे? समांतर क्रम में। तो क्या लिखना है यहां? C1, C2 तथा C3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, अतः इनकी तुल्य धारिता C तुल्य होगी। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या है भाई? समांतर क्रम का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, देखो दोस्त क्या लिखा हुआ है? सी तुल्य बराबर होता है C1, C2, C3। C1 की वैल्यू कितनी है? 3 माइक्रोफेरड। C2 की वैल्यू कितनी है? 3 माइक्रोफेरड। और C3 की वैल्यू कितनी है? 3 माइक्रोफेरड। तो कितना आ गया? 9 माइक्रोफेरड आंसर, 9 माइक्रोफेरड आंसर ये होगा। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सबसे आसान वाला क्वेश्चन था इसलिए तुम्हारे सामने रखा। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। जुड़ के चलो बेटा, जुड़ के चलोगे तो एक बात तुम्हारे क्लियर होगी, क्योंकि स्टेप है इसके। दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं मैं एक बार। दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई? उसने कहा कि ये पॉइंट है, ये ऊपर दो संधारित्र लगे हुए हैं, नीचे एक लगा हुआ है, इसका नाम है बी पॉइंट। थोड़ा छोटा बन गया, ये बी पॉइंट है। यहां पर भी तीन लिखा हुआ है, यहां पर भी तीन लिखा हुआ है, और यहां पर भी तीन। सब बच्चे बोर्ड पर देखेंगे। पहला स्टेप पढ़ दो, सभी संधारित्रों को नाम देते हैं। तो सबसे पहले नाम देंगे, स्टार्टिंग यहां से ही होगी। इसका नाम C1, इसका नाम C2 और इसका नाम C3। सभी संधारित्रों का नाम टिक गया। फिर क्या करते हैं? ए से बी की तरफ निकलते हैं। हेलो, बोर्ड पर ध्यान चाहता हूं, मुद्दा बदलेगा यहां से थोड़ा सा। ए से बी की तरफ निकलते हैं, जैसे ही हम इस पॉइंट पर पहुंचे, जैसे ही हम इस पॉइंट पर पहुंचे तो हमारे पास दो रास्ते हैं। हेलो, हमारे पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता ऊपर वाला, एक रास्ता नीचे वाला। ऊपर वाले रास्ते पर ज्यादा संधारित है, नीचे वाले रास्ते पर एक संधारित है। तो हम उस रास्ते पर चलना पसंद करते हैं जिस पर आदमी ज्यादा मिलते हैं। मान लो हम किसी सफर के लिए निकले, हमारे सामने दो रास्ते खुले, एक रास्ता है जिस पर कोई नहीं जा रहा, एक रास्ता है जिस पर सब जा रहे, तो हम कौन से पे जाएंगे? जिस पर ज्यादा आदमी निकलते हैं। तो सेम फिलोसफी रखनी है। वो क्या रखनी है? कि हम इस ऊपर वाले रास्ते पे पहले जाएंगे कि नीचे वाले पे जाएंगे? तो हम जैसे ही ऊपर के लिए निकले, हेलो, जैसे ही ऊपर के लिए निकले, तो ऊपर के लिए निकलते क्या हुआ कि एक ही रास्ते पर दो मिल गए। और जब एक ही रास्ते पर दो संधारित होते हैं तो वे श्रेणी क्रम में होते हैं। तो सबसे पहले C1 C2 कहीं में होगा? श्रेणी में होगा। C1 C2 कहीं में होगा? श्रेणी में। तो यहां से शुरू करते हैं सवाल। C1 तथा C2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तो इनकी तुल्य C4 होगी। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सी तुल्य क्यों नहीं कहा सर ने, सी तुल्य क्यों नहीं कहा? दो सी तुल्य होती है फाइनल रिजल्ट, कोई ये फाइनल रिजल्ट थोड़ी है ए और बी के बीच का। अभी तो हम इन दोनों के बीच का निकाल लें, जिस टाइम हम ए और बी के बीच का फाइनल निकाल लेंगे उसके बाद और कोई जुड़ने का नहीं, उसे कहेंगे सी तुल्य। उसके बीच में हम जितने भी दो दो तीन तीन जोड़ते रहेंगे ना, उनको नाम बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे तीन तक तो गिनती होगी थी, अभी क्या होगा? C4। C1 C2 C3 तो आगे थे, इन दोनों का जोड़ के जो एक बनेगा उसका नाम है C4। शर्मा आ रही बात? तो ये कौन सा क्रम लगाना? श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या है वो देखो, लिखा हुआ बोर्ड के ऊपर, 1/C तुल्य बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। 1/C तुल्य बराबर 1/3 प्लस 1/3। तो 1/C तुल्य बराबर, सी तुल्य का मान हमने कितना मान लिया था अभी? C4 बराबर ये आ जाएगा 2/3। तो खाली C4 कितना आ गया? 3/2।
सी फोर कितना आ गया 3/2, क्योंकि इसका उल्टा कर देंगे 3/2 आ जाएगा। अब देखो हुआ क्या, हमारा सवाल पहले ऐसा था जिसमें ऊपर दो लगे हुए थे, इन दो का हमने एक बना लिया उसका नाम है सी फोर, इन दो का हमने एक बना लिया जिसका नाम है सी फोर, इसको 1.5 भी लिख सकते हैं क्योंकि 3/2 का मतलब 1.5 होता है। एक बार फिर देख लो बोर्ड पे, C1 C2 को जोड़ के एक बना लिया हमने उनका, तो अब चित्र में तब्दील करेंगे, चित्र बदल जाएगा, अब नया चित्र बनाएंगे दोबारा से। क्या चित्र बन गया भाई हमारा, चित्र अब ये बनेगा, ये ए पॉइंट है, यहाँ ऊपर केवल एक ही लगेगा, उन दोनों की जगह बस एक आ गया, और ये हमारा बी पॉइंट है। बोर्ड पर देखते रहेंगे सब बच्चे, ये जो हमारा C4 है इसकी वैल्यू कितनी आई 1.5, और ये हमारा C3 है इसकी वैल्यू कितनी थी पहले से 3 माइक्रोफेरड, इन दोनों की जगह मैंने केवल एक लिख दिया उसका नाम है C4। फिर वही काम करो, फिर A से निकलो, जैसे ही A से निकले तो दो रास्ते हैं, इस रास्ते पर भी एक आदमी है, इस पर भी एक आदमी है, दोनों रास्ते सेम है, तो जब सेम रास्तों पर डिफरेंट संधारित हो तो वे समांतर क्रम में होते हैं, तो अब की बार ये दोनों कौन से क्रम में होंगे, समांतर। तो अब क्या लिखना है सबसे आखिरी में कि C3 तथा C4 समांतर क्रम में है, अतः इनकी तुल्य धारिता सी तुल्य होगी, इनकी तुल्य धारिता क्या होगी भाई, सी तुल्य। तो सी तुल्य का मान कैसे निकल लेंगे, सी तुल्य होगा C3 + C4, C3 की वैल्यू कितनी है 3 माइक्रोफेरड, मात्रक बिना लिखो इसकी 1.5, तो ये आ गया हमारा 4.5 माइक्रोफेरड आंसर। ये है तरीका, जब जब हम चित्र को छोटा करते चले जाएंगे तो नया चित्र बनाते चले जाएंगे, और फाइनली जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आखिरी में जो आने वाली है तुल्य उसका नाम है सी तुल्य, उसके बीच में हम जितने भी तुल्य निकल लेंगे उनको नाम देते चले जाएंगे, जैसे 3 तक तो गिनती आ गई C4, एक और तुल्य निकालते तो C5, लेकिन जब फाइनल तुल्य निकल लेंगे तो उसका नाम होगा सी तुल्य। बात क्लियर है, बस जैन में 4 स्टेप रख लोगे ना, बड़े से बड़ा छोटे छोटा न्यूमेरिकल इन्हीं से हो जाना है, एक बार से नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर तीन और क्वेश्चन नंबर दो को ध्यानपूर्वक देखो, ये तुम्हें खुद ट्राई करना है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। कैसे ट्राई करना है दोस्त, एक बार तुम क्वेश्चन नंबर दो क्वेश्चन नंबर तीन को ध्यानपूर्वक देखो, चित्र का अंतर है और वैल्यू का अंतर है, देखियो दोनों ऊपर वाले श्रेणी में है क्या, ये जैसे दोनों श्रेणी में थे ऐसे दोनों श्रेणी में है, फिर जो इनका जुड़ के आएगा वो इसके साथ समांतर में होगा, समझे नहीं क्या, ये संधारित एक ही रास्ते पे है श्रेणी में है, और जो इनका जुड़ के आएगा वो नीचे वाले के साथ समांतर में है। भाई ये चित्र मन ने थोड़ा डिफरेंट तरीके से बना दिया, इसको मैं ऐसे भी तो बना सकता था, ऐसे बताओ ऊपर वाले सवाल बन गया क्या, हमने इसको ऐसा नहीं बनाया, थोड़ा इसको ट्विस्ट दिया बात को, कैसे ऐसे बनाया, तो बात तो एक ही है, तो दोनों एक ही रास्ते पे, हाँ या ना, ये तुम्हें खुद से ट्राई करना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, होम एग्जाम में भी आ जाता है, इसको करना है अच्छे तरीके से, बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर का क्वेश्चन नंबर 4। आओ शुरू करते हैं, एक बार मैं इस चित्र को यहाँ बना लूँ, ये हमारा ए पॉइंट है, ए से जैसे निकले तो एक 4 माइक्रोफेरड का जुड़ा हुआ है, फिर नीचे आए, जैसे नीचे आए तो यहाँ पर दो जुड़े हुए हैं, दो के इधर फिर एक लगा हुआ है, इन दोनों का मान 2-2 माइक्रोफेरड है, इसका मान 1 माइक्रोफेरड है, फिर यहाँ आ जाओ इसका मान 4 माइक्रोफेरड है, फिर इधर आ जाओ नीचे इसका मान 2, डब्बा बंद, इधर से एक आ गए यहाँ पर इसका मान 2, ये बी पॉइंट, इन दोनों की वैल्यू भी 2-2 है, तो ये हमें सोल्व करना है क्वेश्चन आज। पहला स्टेप बताओ बच्चों क्या था, सभी संधारित्रों को नाम देना है, तो आओ शुरू करते हैं नाम देना, यहाँ से स्टार्ट करो, इसका नाम क्या है C1, इसका नाम क्या है C2, इसका नाम क्या है C3, इसका नाम C4, फिर यहाँ जाओ ऊपर या यहाँ पे C5, इसका नाम C6 और इसका नाम C7, नाम रख गए सबके, लगा तो नहीं कोई सीक्वेंस कि रटना पड़ेगा उसको C7 ही कहना है, बस हमने नाम स्टार्ट करें, यहाँ से देते चले गए सबको नाम, 7 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, गिन लो एक बार, 1, 2, 3, 5, 8, 2, 7, 7 लगे हुए हैं, C7 तक गिनती जाएगी। अब शुरू करते हैं, जब भी तुम्हारे पास कोई कॉम्प्लिकेटेड परिपथ आता है
तो तुम्हें कहां से सोल्व करना है, शुरू उसको एक स्टेप और बढ़ा लो, कहां से सोल्व करना है, जहां पर चित्र बड़े आकार का हो रहा हो, बड़े आकार का हो रहा हो, यानी जहां पर चित्र का साइज बड़ा हो रहा हो। इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखो तो यहां मुझे दिखाई दे रहा कि ये एक्स्ट्रा है। देखो ये पेट सा यहां बाहर निकल रहा है, निकल रहा है इसका, तो मैं यहां से अटैक करूंगा इस बात पे। ये दोनों कौन से क्रम में लगेंगे, सबसे पहले श्रेणी में जो आओगा उसके साथ समांतर में होगा। C2 और C3 कौन से क्रम में होंगे, श्रेणी में, क्योंकि दोनों एक ही लाइन में है, और जो इनका जोड़ के आओगा वो इसके साथ कहीं में हो जाएगा समांतर में। तो यहां से चित्र को स्टार्ट करते हैं सोल्व करना एक बार दोबारा। C2 और C3 श्रेणी क्रम में होंगे, इनका जोड़ निकाल लेंगे, फिर जो आएगा वो इसके साथ कहीं में होगा समांतर में, उनका जोड़ निकाल लेंगे, तो ये यहाँ से डब्बा हट जाएगा और इस डब्बे की जगह क्या आ जाएगा, केवल एक आ जाएगा। फिर यहाँ चलो ये दोनों कहीं में है समांतर में, ये डब्बा हट जाएगा, इसकी जगह भी एक आ जाएगा, फिर बाकी बाद में करेंगे। सबसे पहले दोनों कहीं में निकाल लेंगे श्रेणी में, उसके साथ इसका क्या लेंगे समांतर। तो शुरू करते हैं C2 तथा C3 श्रेणी क्रम में है, अतः इनकी तुल्य धारिता C8 होगी, क्योंकि 7 तक गिनती हो चुकी, हम 8 पे जाते हैं क्योंकि 7 तक तो हम नाम दे चुके। कौन से क्रम में थे, श्रेणी में, तो श्रेणी का जोड़ कैसे निकालते हैं, 1/C तुल्य = 1/C1 + 1/C2, 1/C8 = 1/2 + 1/2, इनकी वैल्यू 2-2 है ना, तो 1/C8 = 2/2 कट गया, तो C8 का मान आ गया 1 माइक्रोफेरड। C8 के मान कितना आ गया, 1 माइक्रोफेरड। इन दोनों का मान कितना आ गया, 1 माइक्रोफेरड। ये जो C8 आया इसको तब्दील करना पड़ेगा, नया चित्र बनेगा। सब बच्चे बोर्ड पर देखते रहेंगे, इसको हम नया चित्र बनाते हैं। यहां पर एक संधारित है, यहां पहले 2 हुआ करते थे, पिछले वाले चित्र को देखो, यहां पहले 2 हुए थे, अब यहां इसकी जगह कितना आ गया C8, उसका मान कितना है 1। यहां पे क्या है C5, उसका मान कितना है, यहां पे क्या है C4, उसका मान कितना है 1, C4 का मान कितना है 1। आगे बढ़ो, यहां पे भी लगा हुआ है 1 और यहां पे भी लगा हुआ है, कौन कौन सा, C5 C6। C5 की वैल्यू भी 2 है और C6 की वैल्यू भी 2 है और इसकी वैल्यू है 4, इसकी वैल्यू भी 4 है। तो चित्र को तब्दील कर दिया, जितना मैं सवाल को सोल्व करता जाऊंगा तो नया चित्र बनता चला जाएगा, क्योंकि ये 2 हटे, इनकी जगह 1 आया। अब देखो क्या करूंगा मैं, एक साथ 2 स्टेप लगाऊंगा, एक बार तो C8 और C4 समांतर में, एक बार C5 और C6 समांतर में, समझे नहीं, फिर एक बार की में दोनों डब्बे हट जाएंगे। कौन कौन से समांतर में लेने, C8 और C4 कौन से क्रम में है, समांतर में, क्योंकि 2 अलग अलग रास्तों पर पढ़ने वाले संधारित्र क्या होते हैं, समांतर में। तो शुरू करते हैं, C8 तथा C4 समांतर क्रम में है, अतः इनकी तुल्यधारिता C9 होगी, क्योंकि 8 तक गिनती आ चुकी, अब 9 होगी, इन दोनों की C9 होगी। और तुल्य निकालने का फॉर्मूला क्या है, समांतर क्रम में C तुल्य = C1 + C2 मीन्स C9 = 1 + 1, तो C9 = 2 माइक्रोफेरड, यानी इन दोनों की जगह कितना आ जाएगा, 2। अब यहाँ स्टार्ट करो C5 C6 में, C5 तथा C6 समांतर क्रम में है, बोर्ड पर फोकस रखो, अतः इनकी तुल्य धारिता C10 होगी, क्योंकि 9 तक गिनती आ चुकी, इन दोनों कितना होगा C10, तो C10 का फॉर्मूला कितना होगा, C10 = C5 + C6, C5 की वैल्यू कितनी है 2, इसकी वैल्यू भी 2, तो कितना आ गया 4। अब हमने एक ही साथ चित्र में 2 बदलाव करे, एक तो इन दोनों को हटाया, इन दोनों को हटाया, तो नया चित्र बनेगा, बनाओ नया चित्र क्या है। अगर तुम बार बार चित्र बना के सवाल को करते हो तो सवाल में गलती होने के चांसेस एकदम 0 हो जाते हैं। और यदि तुम सोचते हो कि सर बार बार चित्र बनाना पड़ेगा, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, हम इतना समय कहाँ से लाएंगे, तो भाई ये प्रैक्टिस करोगे तो अपना आप होता चले जाएगा। जितना समय तुम दोबारा कैलकुलेशन चेक करने में बर्बाद करोगे, उससे बेटर है कि तुम साथ के साथ चित्र बनाते चलो, इस बात को श्योर करते चलो कि हमने इतना सोल्व कर लिया।
अगर मैं उसी चित्र को प्रीफर करूं बार बार तो हम उसमें खिचड़ी पक जानी है, पता लगना हमने कहां तक सोल्व कर लिया। और अगर मैं बार बार डायग्राम बनाऊं तो मुझे श्योरिटी है कि यहां तक मैं सोल्व कर चुका। जैसे इन दोनों को हटाकर, इन दोनों को हटाकर कितना आया था सी नो, तो यहां पर सी नो आ चुका, उसका वैल्यू है 2। इन दोनों को हटाकर कितना आया था सी टेन, तो यहां पर सी टेन आ चुका जिसकी वैल्यू कितनी है 4। इसकी वैल्यू भी 4 है, इसकी वैल्यू भी 4 है। इसका नाम सी वन था, इसका नाम कितना है उस चित्र में देख के देखो, सी सेवन, ये सी नाइन सी टेन। अब सवाल इतना हो चुका। अब दोबारा ऐसे चलो, यहां पहुंचे, दो रास्ते पड़े, एक रास्ता नीचे को निकल के बी पे पहुंचता है, एक रास्ता ऊपर को निकल के बी पे पहुंचता है। तो ऊपर वाले रास्ते पे कितने संदर्भ थे 2, तो सबसे पहले हम ज्यादा वाले पे जाएंगे ना। तो अब की बार क्या दिखाई दे रहा, सी सात और सी दस कौन से क्रम में, श्रेणी में, क्योंकि ये दोनों एक ही रास्ते पड़े हुए हैं। सी सात और सी दस कौन से क्रम में है, श्रेणी में, तो पहले इनका श्रेणी निकाल लो। इनका जब श्रेणी निकल लेंगे तो एक बन जाएगा। क्लियरिटी आ रही, आओ शुरू करते हैं। सी सात तथा सी दस श्रेणी क्रम में है, अतः इनका तुल्य सी इलेवन होगा। भाई ये दोनों श्रेणी में है, इनका तुल्य क्या होगा, सी इलेवन। तो निकाल लो, एक बटे सी तुल्य बराबर एक बटे सी वन प्लस एक बटे सी टू, एक बटे सी इलेवन, एक बटे चार और चार, दोनों के मान 4 है। तो ये आ गए एक बटे सी इलेवन बराबर 2/4, एक बटे सी इलेवन बराबर 1/2, तो सी इलेवन का मान आ गया 2 माइक्रोफेरड। सी इलेवन का मान कितना आ गया, 2 माइक्रोफेरड। तो ये भी हट गया यहाँ से, तो नया चित्र बनेगा। क्या चित्र है अब की बार, ये 4 का है, इसका नाम तो सी वन था, इस पॉइंट का नाम ए, इस पॉइंट का नाम बी है, इन दोनों को हटाया, इसकी जगह 11 लेकर आए, इसका नाम है सी इलेवन, वो है 2 का। ये 9 पहले से लगा हुआ था, सी नाइन पहले से लगा हुआ था, इन दोनों की जगह बस एक कर दिया, पहले यहाँ 2 थे ना, उसका एक कर दिया, हाँ या ना। अब इन दोनों को देखो ध्यान से, ये दोनों कौन से क्रम में आ गए, समांतर में, क्योंकि 2 अलग अलग रास्तों पर पड़े हुए हैं, 2 भिन्न भिन्न रास्तों पर है ये दोनों, कौन कौन से, सी नौ और सी ग्यारह, कौन से क्रम में है, समांतर में। तो इनको जोड़ते हैं, सी नौ तथा सी ग्यारह समांतर क्रम में है, ये दोनों समांतर में है, तो इनका तुल्य सी 12 होगा। तो इनका तुल्य निकाल लो, सी 12 बराबर, समांतर का तो सीधा फॉर्मूला है ना, दोनों को जोड़ दो 2 + 2, तो कितना आ गया 4 माइक्रोफेरेड। फिर चित्र बदलेगा, ये दोनों हटेगा यहां से, अब की बार इन दोनों को हटा के एक रख दूंगा, तो क्या बन गया चित्र हमारा, यहां से शुरू करो, ए केवल एक आ गया यहां, इसका नाम है सी 12 और सी 12 की वैल्यू है 4, इसका नाम क्या है सी 1, इसकी वैल्यू है 4। ये सी 1 और सी 12 कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, क्योंकि देखो एक ही तो रास्ता है, है नहीं है भाई, इन दोनों को हटा के एक कर दिया, ये 2 रास्तों पे था, इसे एक ही रास्ते पर ला दिया, समझे नहीं क्या। इसका नाम क्या है सी 12, तो कौन कौन अब की बार, सी 1 तथा सी 12 श्रेणी क्रम में है, अतः इनका तुल्य सी तुल्य होगा। सी तुल्य क्यों कहा अब की बार, सी 13 क्यों नहीं कहा, क्योंकि फाइनल रिजल्ट आने वाला है, तो आखिरी रिजल्ट फाइनल तुल्य होता है। तो क्या फॉर्मूला है, 1/C तुल्य बराबर 1/4 प्लस 1/4, तो 1/C तुल्य बराबर 2/4, तो सी तुल्य बराबर 2 आंसर, सी तुल्य का मान 2 आ गया। ये था हमारा न्यूमेरिकल, इस तरह से सोल्व होते हैं। स्टेप को घटाते चले जाओ, जहां पर भी डब्बे से बन रहे, जहां पर भी चित्र चौड़ा हो रहा, जहां पर भी चित्र का आकार बड़ा हो रहा, वहीं से सोल्व करना शुरू करो, और सोल्व करते जाओ, आंसर आना शुरू हो जाएगा। एक बार से नोट कर लेंगे, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने से पहले एक बार फिर मैं तुम्हें इस सवाल को तुम्हारे डायग्राम में ही रिपीट करके दिखाता हूं कि आंसर कैसे आता है। सब बच्चे बोर्ड पे फोकस करेंगे, हेलो ये दोनों का श्रेणी, हेलो इन दोनों का श्रेणी, इन दोनों का श्रेणी तो एक आवेगा, फिर इन दोनों का समांतर, इन दोनों का समांतर एक और एक कितना 2, तो यहां से हटके कितना आ गया, यहां से हटके 2 का आ गया,
अब यहां जाओ, इन दोनों का समांतर, इन दोनों का समांतर कितना होगा? चार। इन दोनों का श्रेणी एक बटे चार, एक बटे चार, दो बटे चार, एक बटा दो, दो आ गया, इन दोनों का दो आ गया। अब इन दोनों का फिर समांतर, दो दो और दो कितना हो जाएगा? चार, इनका चार आ गया, फिर इन दोनों का श्रेणी आंसर। बिल्कुल आसान, बस समय करना आना चाहिए और हमारी सोच होनी चाहिए कि हम कर सकते हैं। अब आते हैं पांचवें क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर पांच। जरा ध्यानपूर्वक देखिए, यहां पर ए पॉइंट है, यहां से एक ब्रांच निकली इस तरीके से, और ये बी पॉइंट है, इसका मान छः है, इसका मान पाँच है, और ऊपर पे दो है। ओके, इनका मान भी दो, इसका मान भी दो। सबसे पहला स्टेप एक बार लगा दूँ, संधारित्रों को नाम दे दूँ, इसका नाम सी वन, इसका नाम सी टू, इसका नाम सी वन, इसका नाम सी टू। ये सी वन बराबर दो, ये सी टू बराबर दो, इसका नाम सी थ्री और इसका नाम सी फोर। चार ही लगे हुए ना, सी फोर तक गिन दिया गई। एक बार सब बच्चे ध्यानपूर्वक सुनो, इसको सीधा कर दो तार को। अगर मैं तार को सीधा कर दूं तो डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा, यहीं बना के दिखा रहा हूं मैं, यहाँ पर तो ए पॉइंट आ जाएगा, और इस तार को जब सीधा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बी पॉइंट। ये हमारा 6 माइक्रोफेरेड का है सी फोर। इन तार को मोड़ दो तो ऐसा हो जाएगा, इन तार को सीधा कर दो तो ऐसा हो जाएगा। तो जो इतना सवाल है, इतना, ये तो क्वेश्चन नंबर दो ही है, क्योंकि ये दोनों श्रेणी में, जो आवेगा उसके साथ समांतर में, लेकिन फिर जो आवेगा वो इसके साथ श्रेणी में। ये काम बढ़ गया थोड़ा सा, समझेगी नहीं? ये दोनों पहले कहीं में निकलेंगे श्रेणी में, इसके साथ नीचे वाला कहीं में निकलेगा समांतर में, फिर जो आवेगा उसके साथ श्रेणी में। करे शुरू, देखो सी वन और सी टू कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है, अतः इनकी तुल्य, इनकी तुल्य धारिता सी फाइव होगी, सी फाइव होगी, इनकी तुल्य धारिता क्या होगी? सी फाइव। तो सी फाइव निकाल लो, एक बटे सी तुल्य बराबर एक बटे सी वन प्लस एक बटे सी टू, एक बटे सी फाइव बराबर एक बटा दो, एक बटा दो, तो एक बटे सी फाइव बराबर दो बटे दो, तो कट के कितना आ गया? ये आ गया हमारा सी फाइव बराबर एक। सी फाइव बराबर कितना आ गया? एक। यहाँ लिख दो सी फाइव बराबर एक। तो ये हमारा चित्र तब्दील हो गया, अब नया चित्र बनेगा, ऊपर के दोनों हट जाएंगे, एक आ जाएगा उनकी जगह। तो ये हमारा ए पॉइंट है, ऊपर चलो, यहाँ पर एक आ गया, नीचे ये है ही, और एक यहाँ पर, इनका नाम है सी फाइव, उसका वैल्यू आया एक, और नीचे क्या है? सी थ्री, इसकी वैल्यू कितनी है? पाँच, और यहाँ पे एक लगा हुआ है सी फोर, उसकी वैल्यू है छः। ये हमारा बी पॉइंट है। अब फिर देखो ये दोनों कौन से क्रम में आएंगे? समांतर में। कौन कौन से? सी पाँच तथा सी तीन कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है, अतः इनका तुल्य, इनका तुल्य सी छः होगा, इनका तुल्य कितना होगा? सी छः। तो जोड़ो सी छः बराबर इन दोनों का जोड़, एक प्लस पाँच कितना आ गया? छः, छः माइक्रोफेड, क्योंकि समांतर का फॉर्मूला है सी वन प्लस सी टू, सीधा जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो। अब फिर नया चित्र बनेगा, यहाँ पे ए पॉइंट था, इन दोनों को हटा देंगे, इन दोनों की जगह एक आ जाएगा, ये जूका तू लगा रहेगा यहाँ, इसका नाम क्या है? सी फोर, सी फोर की वैल्यू कितनी है? छः। और जो हम जोड़ के लाए यहाँ पे, इसका नाम क्या है? सी सिक्स, सी सिक्स इसकी वैल्यू कितनी है? छः। अब ये दोनों कौन से में है बताओ? एक ही रास्ते पे है कि नहीं है भाई? ये दोनों एक ही रास्ते पे है, तो ये कौन से क्रम में है? श्रेणी में। तो कौन कौन से? सी सिक्स तथा सी फोर कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है, अतः इनका तुल्य, इनका तुल्य सी तुल्य होगा, सी तुल्य होगा। तो एक बटे सी तुल्य बराबर एक बटे छः प्लस एक बटा छः, उल्टा फॉर्मूला है, एक बटे सी तुल्य बराबर दो बटे छः, दो तिया छः, तो एक बटे सी तुल्य बराबर एक बटा तीन, उल्टा कर देंगे तो सी तुल्य बराबर तीन आंसर। ये है प्रोसेस, ऐसा करते हैं हम संधारित्र के चित्र वाले न्यूमेरिकल। प्लानिंग सोच केवल इतनी है कि कैसे जांचा जावे, कैसा देखा जावे, कैसा परखा जावे कि कौन श्रेणी में है और कौन समांतर में।
उसका तोड़ बस एक है, बिल्कुल देसी है, तुम भी पता लगा सकते हो। एक ही रास्ते पे है तो श्रेणी में, डिफरेंट रास्तों पे है तो समानता। नोट करेंगे से एक बार। ठीक है, चलिए मैं कुछ डायग्राम तुम्हारे सामने बनाता हूँ रफली, और तुम्हें बताता हूँ कि उसमें कौन श्रेणी में है, कौन समांतर में है। बहुत तरह के सवाल बन सकते हैं, बहुत सारे डायग्राम बन सकते हैं, टोटल सभी तरह की वैरायटी करवाने का प्रयास करा गया, ईजीएस्ट उठाया और टफेस्ट तक गए। ठीक है, देखो एक सवाल ये भी है, सब बच्चे बोर्ड पर देखेंगे। मान लो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको कैसे सोल्व करेंगे? अब देखो सब बच्चे कैसे, ये हमारा बी पॉइंट, ये पॉइंट बताया था सबसे पहले कहाँ शुरू करें, जहाँ चित्र आगे को बढ़ रहा होगा, चौड़ा हो रहा होगा, तो पीछे से स्टार्ट करेंगे सब। पहले सबसे पहले तीनों श्रेणी में होंगे, बोर्ड पर फोकस चाहिए, करवा नहीं रहा, बता रहा प्रक्रिया क्या है। ये तीनों सबसे पहले कहीं में होंगे श्रेणी में, तो इन ये तीनों यहाँ से हट जाएंगे, इनकी जगह एक आ जाएगा बस। फिर ये दोनों कहीं में होंगे समांतर में, फिर ये दोनों हट जाएंगे यहाँ से, इनकी जगह एक आ जाएगा जोड़ के फॉर्मूला लगा के। फिर ये तीनों अगेन कहीं में होंगे श्रेणी में, फिर ये तीनों हट जाएंगे यहाँ से, इनकी जगह एक आ जाएगा, फिर ये दोनों कहीं में होंगे समांतर में, वो आंसर होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इस तरीके से सोल्व करने हैं। और भी एक अद्धा देखते हैं, थोड़ा तरीके से चलो शुरू करते हैं। जहां भी चित्र बाहर को निकलता होगा वहां से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले दोनों श्रेणी में, सबसे पहले ये दोनों श्रेणी में है नहीं है, ये यहां से हटेंगे, फिर इनकी जगह एक आएगा, फिर ये दोनों समांतर में, हाँ या ना, फिर ये दोनों हटेंगे यहां से, इनकी जगह एक आएगा, फिर अगेन ये दोनों श्रेणी में, अगेन ये दोनों श्रेणी में, ये भी हटेंगे यहाँ से, फिर दोनों इनकी जगह एक आएगा, फिर ये दोनों समांतर में जो होगा वो फाइनल रिजल्ट होगा। इस तरीके से सोल्व करने हैं, ट्राई करना बुक के क्वेश्चनों को, अदर प्रकाशन की बुक के भी सवाल करना, क्योंकि ये कंपटीशन वगैरह में भी पूछ लेता है और बोर्ड में तो न्यूमेरिकल इसमें से उठता ही उठता है। मैंने जितनी वैरायटी थी करवाने का प्रयास करा, इस वीडियो को एक दो बार देखना, एक ही न्यूमेरिकल को बार बार करके देखना, जिससे तुम्हें अंदाजा होगा किस तरह सर ने किसको समांतर में कहा, किसको श्रेणी में कहा। और सबसे बेहतरीन मेथड इसका यही है कि जितना तुम करते जाओ उतना ही चित्र बनाते जाओ, इससे तुम्हारे न्यूमेरिकल के गलती होने के जो चांसेस है वे नियर अबाउट जीरो हो जाएंगे। आज की वीडियो में हमने समांतर क्रम, श्रेणी क्रम के न्यूमेरिकलों को जानने का प्रयास करा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।